हम लोग एज ए ह्यूमन बहुत ही पहले से अलग अलग वेपन्स को कैरी करते हुए आ रहे हैं, या फिर वेपन्स और गन्स को कैरी करने का जो सबसे मेन रीज़न है वो होता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने पर्सनल आइटम्स को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि वॉलेट, शूज, वॉच, रिंग एट्सेट्रा। बट आज के टाइम पे हम लोग स्वॉर्ड लेके या फिर असॉल्ट राइफल लेके बाहर नहीं घूम सकते, और इंडिया में सिविलियन आप एक असॉल्ट राइफल भी नहीं खरीद सकते। बट हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे गन्स रहे हैं जो कि साइज में बहुत ज़्यादा छोटी हैं बट इफेक्टिव उतनी ही हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। तो हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड की टॉप 10 स्मॉलेस्ट गन्स के बारे में। नंबर 10, डाइसन ले पेटिट प्रोटेक्टर रिंग। ले पेटिट प्रोटेक्टर एक रिंग पिस्टल है जो कि 5mm की 5 शॉट, 4mm की 6 शॉट या फिर 2mm की 7 शॉट के साथ आती है, और इस रिंग गन को ऑपरेट करना बहुत ज़्यादा इजी है। और इसको रिलोड करने के लिए इसमें सिलेंडर लगे हुए होते हैं जो कि बिना रिमूव किए आप इसको रिलोड नहीं कर सकते। इस गन को 19th सेंचुरी में फ्रेंच और बेल्जियन गन्स ने बनाया था, और यह गन लगभग 150 ईयर्स पुरानी है, और इसको अभी भी यूरोप और यूएसए के कुछ कुछ पार्ट्स में प्रोड्यूस किए जाते हैं। नंबर 9, लॉन्ग बॉन्ड आर्म्स बैकअप। यह एक स्मॉल सेल्फ डिफेंस हैंडगन है, और इसको लगभग 195 ईयर्स पहले 1825 में बनाया गया था, और इस गन को हैरी ड्रिंगन ने 1825 में डिजाइन करना शुरू किया। और ऐसा कहा जाता है कि इस गन के अभी तक सिर्फ 15,000 यूनिट्स ही बनाए गए हैं। रेमिंगटन नाम की एक कंपनी थी जिसने कि 1866 में एक डबल डेरिंगन नाम से एक डबल बैरल पिस्टल को प्रोड्यूस करना शुरू किया, और इस कंपनी 1935 तक इस गन के लगभग 130,000 तक गन्स को बेचे। और यह पिस्टल बॉन्ड की वन ऑफ द बेस्ट सेलर गन्स में भी आ चुकी है, और यह पिस्टल एकदम वेल बिल्ड डबल बैरल सेल्फ डिफेंस पिस्टल है। नंबर 8, किस ऑफ डेथ। किस ऑफ डेथ या फिर लिपस्टिक पिस्टल, यह एक सिंगल शॉट पिस्टल है जिसको कि रशिया की केजीबी कोल्ड वॉर के टाइम पे यूज किया करती थी। यह एक सिंगल शॉट 4.5mm की पिस्टल है जिसको कि लिपस्टिक होल्डर के अंदर छुपाया जाता है, और इस गन की एक सैंपल वेस्ट बर्लिन में अमेरिका के चेक पॉइंट पे मिला था, जिसको कि अभी इंटरनेशनल स्पाई म्यूजियम जो कि वाशिंगटन डीसी में है यहाँ पे रखा गया है, और यह गन बहुत सारे वीडियो गेम्स में भी यूज किया गया है। नंबर 7, मिनिएचर व्हील लॉक पिस्टल। इसको लेट 16th सेंचुरी और अर्ली 17th सेंचुरी में बनाया गया था। व्हील लॉक एक फ्रिक्शन व्हील मैकेनिज्म है जो कि स्पार्क क्रिएट करता है जिसकी वजह से फायर आर्म्स फायर करते हैं, और फायर आर्म्स की टेक्नोलॉजी में मैथ लॉक के बाद यह दूसरी सबसे ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट थी, और इस गन को यूरोप में डेवलप किया गया था, और इसको मेनली यूरोप की कंट्रीज ही यूज किया करते हैं। नंबर 6, फ्लैश लाइट गन। यह फ्लैश लाइट गन को नॉर्थ कोरिया के सीक्रेट एजेंट्स यूज किया करते हैं, और इस गन के साथ आप 3 बुलेट्स फायर कर सकते हैं, और इस फ्लैश लाइट में एक बटन होती है जिससे यह गन एक्टिवेट होती है, और इस गन को जेम्स बॉन्ड और मिशन पॉसिबल की कुछ फिल्म्स में भी दिखाया गया है। नंबर 5, पैटर्न 1853 इनफील्ड। इनफील्ड पैटर्न 1853 राइफल मस्केट, जिसको कि पैटर्न 1853 इनफील्ड, P53 इनफील्ड और इनफील्ड राइफल मस्केट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक 0.577 की एक मदर लोडिंग राइफल मस्केट है जिसको कि ब्रिटिश एम्पायर 1853 से लेकर 1867 के बीच में यूज किया करते थे, जिसको कि बाद में दूसरे गन्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। इस गन की प्लेस ऑफ ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम, और इस गन को बहुत सारे वॉर्स में यूज किया जा चुका है, और इस गन को 1853 में RSAF इनफील्ड ने डिजाइन किया था, और इस गन की पर यूनिट कॉस्ट है $20, और अभी तक इस गन के लगभग 1,500,000 यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। नंबर 4, सीक्रेट केस कवर गन। इस गन की प्लेस ऑफ ओरिजिन है रशिया, और इस गन को सोवियत केजीबी के स्पाइस के द्वारा यूज किया जाता था। 1954 में सोवियत केजीबी के एक एजेंट थे जो कि जर्मनी के एक एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप के लीडर को मारने के लिए भेजा गया था, और वो जो एजेंट थे उन्होंने एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप के लीडर को मारने के बजाय यूएस के एजेंट्स को सरेंडर कर दिया, और उसके बाद उन्होंने यूएस के एजेंट्स को इस सीक्रेट केस गन के बारे में बताया। नंबर 3, कोलिबरी कार पिस्टल। कोलिबरी कार पिस्टल को कार पिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। यह गन 2.7mm कैलिबर के साथ आती है। इस गन की प्लेस ऑफ ओरिजिन है ऑस्ट्रिया। इस गन को ऑस्ट्रिया के वॉच मेकर जिनका नाम था फ्रेंच मैफनल, इन्होंने इस गन को बनाया था, और इस गन को ऑस्ट्रिया में 1914 में इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर 2, रूट रिवॉल्वर। इस रूट रिवॉल्वर को डेविड कुशर ने 1855 में बनाया था, और इस गन को 1500 से लेकर 1600 के बीच में बनाया गया था और यूज भी किया गया था। नंबर 1, स्विस मिनीगन। इस गन को स्विट्जरलैंड में स्विस मिनीगन नाम की कंपनी ने बनाया था। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वर्किंग रिवॉल्वर के नाम से जाना जाता है, या फिर कहा जाता है। यह गन 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 3.5 सेंटीमीटर टॉल और 1 सेंटीमीटर वाइड है, और इस गन की वेट है 19.8 ग्राम्स, और इसमें 2.34mm के एम्युनिशन के यूज किया जाता है, और कंट्री जैसे कि यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम ने इस गन की इंपोर्ट पर रोक लगा दी है, क्योंकि इस गन को छुपाना बहुत ज्यादा इजी है। स्विस मिनीगन का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी लिखा गया है, जिससे पता चलता है कि यह वर्ल्ड की सबसे छोटी वर्किंग रिवॉल्वर है। यह एक डबल एक्शन रिवॉल्वर है, और इस गन में वो सारी फीचर्स है जो कि एक नॉर्मल साइज रिवॉल्वर में होती है, और इस लिस्ट में जितने भी गन्स है वो सारे के सारे वर्किंग थे, और
उन गन्स को अप्रॉक्स 1500 और 1600 में यूज किया जाता है। और इन सारे गन्स के बारे में हमें उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि सारी गन्स मॉडर्न में बहुत ही कम यूज की जाती है और यह सारी गन्स बहुत ज्यादा पुरानी है। तो यही थे वर्ल्ड के टॉप 10 स्मॉलेस्ट वर्किंग गन्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना।